नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लता जी के भाई को वीर सावरकर की आलोचना करने पर ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया था। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, गोवा का गौरवपूर्ण संतान, गोवा की धरती का बेटा, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह ये था कि उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति से भरी कविता की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी थी। मजरू सुल्तानपुरी जी को पंडित नेहरू की आलोचना करने के लिए एक साल जेल में बंद कर दिया गया। नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया। प्रसिद्ध संगीतकार किशोर कुमार जी को इमरजेंसी में इंदिरा जी के सामने न झुकने के कारण, इमरजेंसी के पक्ष में न बोलने के कारण उनको आपातकाल में उनको भी निकाल दिया गया था। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, जमानत के लिए हाई कोर्ट जाए आजम, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आजम खान ने की थी अंतरिम जमानत की अपील। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए मांगी थी जमानत याचिका पर जल्द फैसला हो इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर फैसला ले, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, आजम खान को राहत नहीं मिली है और उन्होंने अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की थी। तो आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, जमानत के लिए हाई कोर्ट जाएं आजम, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आजम खान ने अंतरिम जमानत की अपील की थी, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने जमानत मांगी थी, लेकिन याचिका पर जल्द फैसला ले इलाहाबाद हाईकोर्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आजम खान ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान की याचिका पर जल्द फैसला लेने को भी कहा है। आजम खान रामपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो अब बात 22 के बिसात की। बीजेपी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम से मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने लखनऊ में इस संकल्प पत्र को जारी किया है और शाह ने संकल्प पत्र जारी